लाहौर से कराची बाइक के साथ जल्दी और बआसानी पहुंचने का एक ही तरीका है और वो है बाय ट्रेन, जिसके लिए आपको डिपार्चर टाइम से 4 से 5 घंटे पहले पहुंचकर डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद कार्गो वाउचर इशू कर दिया जाता है। इसके बाद घर वापस आएं और ज़रूरी सामान उठाकर रेलवे स्टेशन पहुँचें। अगर बाइक से ज्यादा प्यार है तो इसे अपने सामने ही ट्रेन पे लोड करवाएं। सो फाइनली हम कराची जा रहे हैं। 2 दिन हो गए हैं, मैं सोया नहीं हूँ, ठीक से खाना भी नहीं खाया, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी सुबह तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि सारी रात भी जागता रहूँ पैकिंग और बाइक के काम और ये और वो और बला 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 बला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा कुछ सेटल्ड है और बस ये ट्रेन कुछ ही मिनट्स में निकलने वाली है और इस एडवेंचर में ना बड़ा मज़ा आने वाला है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। तो लेट्स गो, क्योंकि ट्रेन जो है ना वो मूव होना शुरू हो गई है। अब हमें तो बाय बाय करने वाला कोई है नहीं। चलो हम खुद ही अपने आप को बाय बाय कर लेते हैं। हम हैं इस टाइम कराची के कैंट स्टेशन पे और सीन यहाँ पे ऐसा है कि बाइक अभी तक ट्रेन के अंदर है और ये ट्रेन जब उस प्लेटफॉर्म पर लगेगी तब जाके बाइक उतारेंगे ऊपर से और फिर हमें बाइक मिलेगी और फिर हम जा सकेंगे। लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है इसको। तो हम हैं इस टाइम DHA फेज 6 में और हम जा रहे हैं दो दरिया पे। सुना है कि वहाँ पे सी व्यू का जो एक माहौल है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो सनसेट बस होने वाला है और चलते हैं फिर दो दरिया सी व्यू पॉइंट। पहला दिन कराची में गुजर चुका है और अच्छा ही गुजरा है। ऑलमोस्ट 3 डेज हो गए हैं कि मैं सोया नहीं हूँ और हालत बहुत ख़राब हो गई है। जनाब ये मज़ार पे जाने नहीं देंगे इस कंडीशन में, क्यों अलाउ नहीं है? टूरिस्ट है, जाने नहीं देंगे, जंगा वगैरह भाई सामान के साथ नहीं है। किस सामान के साथ? किसके साथ? बैग हो गया, ये कैमरा हो गया, ये बैग हो गया, नहीं जाने देंगे। नहीं बेकार है आपकी पार्किंग कटे और फिर नाराजगी वाली बात, आप मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। कराची में आके मज़ार-ए-क़ाइद पे हाजिरी ना दी जाए तो ये कुछ गैर मुनासिब सी बात है।
और मज़ारे कायद पे कैमरा और बाकी इक्विपमेंट ले जाना अलाउड नहीं है। तो भैया अपना अपना बंदोबस्त करके हैं, हमारा तो पहले से मौजूद था। एक दोस्त जिससे कुछ माह पहले इंस्टाग्राम पे हेलो हाई हुई थी, इसने कहा कि सामान इसके घर रखवा लेते हैं जो कि पास में ही है। मज़ारे कायद के बाद अगली डेस्टिनेशन थी पोर्ट ग्रैंड, और पोर्ट ग्रैंड के सीन्स भी बहुत फिट थे। और भाई कराची आके बंस रोड की फूड स्ट्रीट नहीं गए तो फिर क्या किया? और बंस रोड की फूड स्ट्रीट पे जाके बिरयानी का नाम देखते ही आपके मुंह से पानी टपकने लगता है। आज की डेस्टिनेशन थी कराचीज फेमस पैराडाइज पॉइंट, नाम तो सुना ही होगा, जो कि शाहराए फैसल से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। और भाई पैराडाइज पॉइंट के ज़्यादा मज़े लेने हैं तो कोशिश करें शाम के वक्त सनसेट से 30 से 40 मिनट पहले पहुंच जाएं और आराम से सनसेट इंजॉय करें।